हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML को पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, HTML का एक बहुत ही बेहतरीन एलिमेंट को हम यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है मार्क्यू टैग। इस टैग के मदद से हम एनिमेटेड वाला टेक्स्ट बना सकते हैं, यानी कि हमारे वेबसाइट पे कुछ ऐसा टेक्स्ट सेट कर सकते हैं जो कि मूव करता रहे, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन। इस तरह से कोई टेक्स्ट हमारा मूवमेंट करने वाला सेट करना है तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास जो है मार्क्यू टैग के ऊपर। इसके और भी बहुत सारे डिटेल्स हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा HTML एलिमेंट है वो है मार्क्यू टैग, और मार्क्यू टैग का सिंटेक्स भी आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, ये क्या कह रहा। द मार्क्यू टैग इज नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट विच इज कॉजेज टेक्स्ट टू स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट है, बिकॉज कि इसका बहुत ही रेयर ही यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे इनका यूज किया जाता है, कुछ हम मेन्यूज, कुछ ऑप्शन दिखाने के लिए हम जनरली इसका यूज कर लेते हैं। तो ये जो टैग है ये हर वेबसाइट में यूज नहीं होता, कुछ गिने चुने वेबसाइट्स हैं उनमें यूज किया जाता है, लेकिन एक अट्रैक्शन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और ये ऑटोमेटिकली मूव अप होते रहते हैं, हो सकता है कि अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आइए हम इनका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको sarkarirezult.com का एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट को आप ऑलरेडी जानते भी हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो कि मूव हो रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं, जो कि ये एक क्या हो रहा है, अल्टरनेट में मूव हो रहा है, एक तरफ से जा रहा है, फिर दूसरे तरफ जा रहा है, फिर पहले तरफ जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो इस टाइप का अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं, ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ये हम कर सकते हैं मार्क्यू टैग के हेल्प से। एक और मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये नाइलेटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और उसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डाउन की तरफ मूव कर रहा है। इस टाइप का अगर हम इफेक्ट, इस टाइप का अगर हम कंटेंट अपने वेबसाइट पे सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मार्क्यू टैग का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। इसके और भी डिटेल्स को हम देखते हैं, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है, कौन कौन से यहाँ पे इसके कंडीशन को सेट करने के लिए है। तो चलिए हम इसके एट्रीब्यूट्स को पहले देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख रहा है मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स है, जो कि लिख रहा है डायरेक्शन, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट एंड लुक। चार तरह के इसके पास एट्रीब्यूट है। डायरेक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यूज यहाँ पे सामने राइट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो ये सारी जो वैल्यूज है ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बाय डिफॉल्ट इसका जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। राइट करेंगे तो ये राइट मूव करने लगेगा, अप करेंगे तो अप साइड मूव होने लगेगा, डाउन वैल्यू पास करेंगे तो डाउन की तरफ चलने लगेगा। ओके, बिहेवियर में होता है, दो टाइप्स के होते हैं बिहेवियर, एक होता है स्क्रॉल और दूसरा होता है अल्टरनेट। स्क्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रॉल होता है कि एक साइड से कंटेंट निकलेगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर ये पहले तरफ से निकलेगा फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेफ्ट राइट करते रहेगा, जैसे कि अभी हमने sarkarirezult.com में आपको दिखाया था। ओके, तो इनका जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या बताता है, तो हमारे जो टेक्स्ट मूव कर रहे हैं उसके मूवमेंट के स्पीड को ये डिफाइन करता है। बाय डिफॉल्ट वो 8 के स्पीड से मूव कर रहा होता है, बट हम और भी उसके स्पीड को बढ़ाना चाहते तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, या स्लो करना चाहते हैं तो हम स्लो भी कर सकते हैं। लूप, लूप एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि कितने टाइम्स वो मूव करे, नंबर्स ऑफ मूवमेंट टाइम्स, यानी कि एक बार मूव करे, दो बार मूव करे, 50 बार मूव करे, जितना हम नंबर लूप में सेट करेंगे ये उतने बार घूमेगा और फिर फाइनली उतने नंबर पूरे होने के बाद वो फिक्स हो जाता है। तो मूवमेंट का भी टाइम से अगर आप इन्फिनाइट करना चाहते हैं तो लूप का यूज ही मत करिए, बाय डिफॉल्ट वो इन्फिनाइट मूव करते रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम आते हैं अपने एडिटर्स के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे एडिटर्स ओपन हो चुके हैं। राइट साइड में हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट देखने के लिए हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। तो हम साथ के साथ करते आ रहे हैं अभी तक। ये हमारा लास्ट क्लास में हमने समझा हुआ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, पैराग्राफ के ऊपर हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना सीखा था, और हम एक स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर भी अलग से प्रॉपर्टी सेट करना तो उसके लिए भी हमने सीखा था। हम इस कोड को अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे हमारा एक हेडिंग दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा कंप्यूटर है ये कंप्यूटर मूव होता रहे।
हमारे क्लास में अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से करेंगे तो आपके सारी बातें बेसिक्स लेवल से मैंने कवर कर किया हुआ है, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां पे आपको वेब डिजाइनिंग कोर्स का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हर एक चीज को बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी हिंदी एंड फ्री में। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड हिंदी में है। आप इजिली उसको स्टडी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है इसको मूवमेंट करना है, इसमें हम मार्क्यू टैग को यूज करते हैं। तो मेरे पास बॉडी टैग के नीचे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और जो कि अंडरलाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर मार्क्यू टैग अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और मार्क्यू मैंने यहाँ पे टाइप किया और मार्क्यू टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग ओपन किया और मार्क्यू टैग को क्लोज किया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी हमने कोई एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया, सिर्फ मार्क्यू टैग को हमने अप्लाई किया। और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपने नोटिस करेंगे कि देखिए ये हमारा जो कंप्यूटर वर्ड जो है ये मूव होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये एक किनारे से निकल रहा है और दूसरे किनारे में चला जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो बाय डिफॉल्ट 8 है, जिसमें हमने स्क्रॉल अमाउंट में समझा था कि स्क्रॉल अमाउंट क्या है और ये कितने बार अप एंड डाउन करेगा, कितने बार ये स्क्रॉलिंग करेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट इनफिनाइट टाइम पे। लेकिन इन सब का अगर कंट्रोलिंग हमें खुद से करना है, इन सब का सेटिंग हमें खुद से करना है, तो हम एट्रीब्यूट के वैल्यूज को करेंगे चेंज, ओवरराइड करेंगे। तो चलिए अब हम इनके डायरेक्शन वगैरह सब कुछ को चेंज करते हैं और हम यहाँ पे ओपनिंग टैग में आते हैं और यहाँ पे अब हम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन अप्लाई करूंगा, डायरेक्शन में मैं यहाँ पे पास करता हूँ राइट। ओके, मैंने यहाँ पे सेव किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखिए कि ये जो कंप्यूटर वर्ड जो है वो अब राइट साइड की तरफ मूव करने लगा। इसी तरह से आप अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप डाउन जैसा आपको स्क्रॉल करना है वो आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, वो अप एंड डाउन स्क्रॉल होने लगेगा। आई होप कि आपको ये डायरेक्शन समझ आ चुका होगा। तो अब हम अगले एट्रीब्यूट को अप्लाई करते हैं। आप कोई भी चार एट्रीब्यूट्स में आप कोई भी वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होते ही है। तो अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है बिहेवियर, और इसकी जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है स्क्रॉल होता है और दूसरा होता है अल्टरनेट। तो स्क्रॉल हम जानते हैं कि क्या होता है कि एक साइड से कंटेंट निकलता है और दूसरे तरफ चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्यूटर हमारा वन साइड से निकल रहा है और दूसरे साइड चला जा रहा है, फिर पहला साइड से निकल रहा और दूसरे तरफ जा रहा। लेकिन अब हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, चेंज हम करते हैं अल्टरनेट करते हैं, ALTERNATE। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखिए कि हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है। तो जो पेज है, जो हमारे ब्राउजर का विड्थ है, ये उसी के ऊपर लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है। अब ये ना एक साइड से निकल रहा है और ना ही दूसरे तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। जो हमने sarkarirezult.com में यहाँ पे देखा था, ये जो कंटेंट है ये ऐसे ही कुछ मूव कर रहा है, तो ये कुछ वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये कंप्यूटर वर्ड जो है ये अल्टरनेट बिहेवियर कर रहा। अगर हम चाहते हैं कि इसके स्पीड को बढ़ाएं तो इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट बाय डिफॉल्ट 8 होता है। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूँ तो अभी मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, इसके स्पीड में आप देखेंगे कि कमी आएगी। जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए स्लो हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन यहीं पे मैं 15 करके सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप नोटिस करिए कि इसका जो स्पीड है वो बढ़ चुका है। अगर मैं 15 के जगह पे 20 कर दूँ तो यहाँ पे अभी आप देखिए कि ये काफ़ी फास्ट हो गया है। तो ये होता है इसका स्क्रॉल अमाउंट का मतलब है कि कोई हमारा कंटेंट कितने स्पीड से मूव करे तो उसका भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं और इसको चेंज करके दिखाता हूँ, ये 20 है तो 20 को मैं 2 कर देता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी स्लो हो गया, बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। तो स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का फीचर्स आप समझ चुके हैं, जो कि हमारे कंटेंट को स्लो मूव करने के लिए यूज होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा।
तो अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, हम इसको 10 कर देते हैं एंड अगला हम अप्लाई करते हैं। अगला हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है लूप। मैं यहाँ पे लूप एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और लूप में मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ। 2 पास करने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार ही मूव करेगा, उसके बाद ये अपने पोजिशन पर फिक्स हो जाएगा। अभी मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि स्पीड भी बढ़ गया और ये 1 बार और ये 2 बार ये मूव हुआ और ये दूसरे बार ये रुक गया, यानी कि ये 2 बार ही लूप चला। अगर मैं इसको 5 टाइम्स पास कर दूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ये 1 टाइम हुआ, ये 2nd टाइम मूव हो रहा है, ओके, और ये रुक गया इसलिए क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। सेव करता हूँ, पहले सेव हुआ कि नहीं हुआ ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करें कि जो हमारा फाइल होता है, फाइल के पास अगर डॉट दिखाई दे रहा है तो ये अभी फाइल हमारा सेव नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ या फिर मैं इस फाइल पर चल के एक बार मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि ये अब क्रॉस साइन दिखाई दे रहा है। तो अगर क्रॉस दिख रहा है दैट मीन्स कि ये सेव है, अगर डॉट दिखाई रहा है दैट मीन्स कि ये सेव नहीं है। तो अब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करने वाला हूँ। रिफ्रेश करने के बाद काउंट करेंगे कितने बार ये मूव करा। ये 1 टाइम हो गया, अब ये 2nd टाइम हो गया, ये 3rd टाइम हो गया एंड ये 4th टाइम हो रहा है, ओके, और ये लास्ट हमारा 5th टाइम हो गया। तो 5th जैसे ही पूरा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लूप में कितना अमाउंट पास किया, 5, तो ये 5 टाइम्स मूव कर रहा है। तो हमने मार्क्यू टैग के सब कुछ देख लिया। मार्क्यू टैग में हमने देखा कि डायरेक्शन राइट हो रहा है और डायरेक्शन राइट का मतलब कि ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है मूव करना। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर हमारा अल्टरनेट होता है, एक और होता है जो कि स्क्रॉल होता है डिफॉल्ट। स्क्रॉल अमाउंट की बात करें तो ये हमारे मार्क्यू टैग के कंटेंट को स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लूप हमें ये बताता है कि कितने टाइम उसको मूव करना है। तो ओवरऑल हमने मार्क्यू टैग के ऊपर हमने सब कुछ देख लिया जो कि क्या कर रहा है, तो हमारे कंटेंट में मोशन डाल रहा है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे यह मूव करने का काम कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं उसको कमेंट के द्वारा सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा वेबसाइट बनाना सीख सके और वो भी बिल्कुल फ्री में और हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।